हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पंजाब के फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स। सो लेट अस स्टार्ट। पंजाब टू नेम रोड्स एंड स्कूल्स आफ्टर ओलंपिक मेडल विनर्स। तो पंजाब की एक नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग जितने भी ओलंपिक मेडल विनर्स पंजाब से हैं उनके नाम पर रोड्स और स्कूल्स के नाम रखे जाएंगे। ऐसी ही एक आइडेंटिकल पॉलिसी पंजाब सरकार ने कुछ महीने पहले भी निकाली थी, जिसमें कि जो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ या फिर जो शहीद हुए हैं आर्म्ड फोर्सेस में, उनके नाम पर स्कूलों के नाम, रोड्स के नाम या फिर इम्पॉर्टेंट जगहों के नाम रखे जाएंगे। सो इन दैट सेम आई वुड से सेम टाइप ऑफ पॉलिसी गवर्नमेंट अब ओलंपिक मेडल विनर्स के नाम पर भी रोड्स और स्कूल्स के नाम रखेगी। तो पंजाब स्कूल एजुकेशन और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विजेंद्र सिंगला ने यह जानकारी दी कि रोड्स और स्कूल्स के नाम ओलंपिक मेडल विनिंग प्लेयर्स के नाम पर रखे जाएंगे। नॉट ओलंपियंस, ओलंपिक मेडल विनिंग प्लेयर्स, जिन्होंने मेडल जीते हैं उनके नाम पर रखे जाएंगे। ये स्पेशली इसलिए किया गया है बिकॉज 2020 ओलंपिक्स में जो मेन्स हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीती है उसमें कुछ पंजाबी प्लेयर्स भी थे। तो इंडियन मेन्स हॉकी टीम जो कि ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आई है 41 साल के बाद, तो 1980 में लास्ट टाइम इंडियन हॉकी टीम ने मेडल जीता था, तो उसकी वजह से एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन ये चीज़ जो है अप्रूव की गई है बाय द चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह, और इस प्रोसेस को बहुत जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। जनरली द रोड कनेक्टिंग द रेजिडेंस एंड स्कूल ऑफ द एरिया ऑफ द रिस्पेक्टिव मेडल विनिंग प्लेयर विल बी नेम्ड आफ्टर दैम। तो उनके घर से लेकर उनके स्कूल तक का जो की जो रोड है उसे उस प्लेयर के नाम पर रखा जाएगा। तो स्टेट से 20 स्पोर्ट्स पर्सन गए थे ओलंपिक्स में और मैन हॉकी स्क्वाड में 11 प्लेयर्स पंजाब से थे जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो अब इन सब के नाम पर रोड्स या फिर स्कूल्स के नाम रखे जाएंगे, राइट? तो एक एनकरेजिंग पॉलिसी फॉर प्रमोटिंग द स्पोर्ट्स कल्चर इन द स्टेट। नेक्स्ट, पंजाबी पीडिया एंड्रॉयड मोबाइल ऐप लॉन्च्ड। तो टू प्रमोट पंजाबी लैंग्वेज, तो पंजाबी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए पंजाबी पीडिया एंड्रॉयड ऐप लॉन्च कर दी गई है। इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और इसे डेवलप किया है पंजाबी पीडिया सेंटर ऑफ पंजाबी यूनिवर्सिटी। इसे लॉन्च किया पीयू के वाइस चांसलर डॉक्टर अरविंद ने और उनका ये कहना है कि किसी भी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट इज नेसेसरी इन टुडेज वर्ल्ड। तो ये भी पंजाबी पीडिया ऐप जो है ये पंजाबी लैंग्वेज को पूरी दुनिया के अलग अलग कोनों में पहुँचाने में जो है सक्सेसफुल साबित होगी बिकॉज टेक्नोलॉजी डज नॉट यू नो टेक्नोलॉजी सैंस फ्रंटियर्स। तो टेक्नोलॉजी किसी भी तरह की फ्रंटियर या बाउंड्रीज को नहीं मानती, उससे परे होती है। तो अगर ये एंड्रॉयड ऐप लॉन्च की गई है पूरी दुनिया में कोई भी एंड्रॉयड यूजर इस ऐप को डाउनलोड कर सकता है। पंजाबीज ऑल ओवर द वर्ल्ड वुड बेनिफिट फ्रॉम दिस ऐप एंड वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वन ऑफ द लार्जेस्ट यू कैन से जो लोग इंडिया के बाहर रहते हैं उसमें पंजाबीज का नंबर सबसे ज़्यादा आता है, राइट? सो वेबसाइट भी इसके लिए पहले लॉन्च की जा चुकी है बट सिंस नाउडेज पीपल आर मोर यूजिंग स्मार्टफोन्स तो फोन ऐप इज मच मोर इन डिमांड देन द वेबसाइट, राइट? तो इसमें ये एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है। तो कल्चर के लिए और कैसे टेक्नोलॉजी कैन बी हार्नेस्ड टू प्रमोट कल्चर एंड लैंग्वेज, उसके लिए एक अच्छी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर के लिए अच्छी खबर है बहुत सारी बुरी खबरों के बाद। पिछली कई वीडियोस में हमने ऐसी खबरें डिस्कस की हैं कि ग्राउंड लेवल जो है पंजाब में वो नीचे जा रहा है, देन देर इज़ अ लॉट ऑफ टॉक्सिसिटी इन द सॉयल, देर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर शॉर्टेज, देर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर। बट फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी आर हियरिंग अबाउट समथिंग पॉजिटिव इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इन पंजाब। 6 लाख हेक्टेयर्स हैज कम अंडर डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस इन पंजाब विच इज़ द हाइएस्ट सो फार। सो DSR यानी कि डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस टेक्नोलॉजी, जिससे कि पानी बहुत ज़्यादा बचता है, इस टेक्निक के तहत 6 लाख हेक्टेयर ज़मीन जो है स्टेट में वो उसने DSR जो है वो
अब तक इम्प्लीमेंट हो चुका है, विच इज़ अ ग्रेट आई वुड से न्यूज़ पानी की बचत करने के लिए. सो पंजाब फार्मर्स हैव शोन कीन इंटरेस्ट इन द डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द करंट पैडी सीजन. तो जो जून से लेकर जुलाई या अगस्त, जून से जुलाई तक का जो वक्त होता है, दिस इज़ फॉर द सोइंग ऑफ पैडी क्रॉप या फिर खरीफ क्रॉप यू कैन से. तो इसमें 600,000 हेक्टेयर जो है इसे इस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के तहत लाया गया है, विच इज़ द हाइएस्ट एवर इन द स्टेट टू डेट एज पर पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर लुधियाना. तो पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर लुधियाना की रिपोर्ट के मुताबिक ये आज तक का हाइएस्ट एरिया है जो DSR के अंदर आया है. करीब करीब 20% टोटल एरिया जो है स्टेट का वो पैडी के अंदर है, जो कि इस वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी के तहत लाया जा चुका है. सबसे अग्रणी जो जिला है इसमें, दैट इज बठिंडा. बठिंडा में, बठिंडा इज द लीडिंग डिस्ट्रिक्ट इन अडॉप्शन ऑफ DSR विद 52,000 हेक्टेयर्स. सेकेंड नंबर पे आता है मुक्तसर और थर्ड पे आता है फजिलका. और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात इसलिए भी है क्योंकि ये तीनों ही डिस्ट्रिक्ट, बठिंडा, मुक्तसर और फजिलका, अगर हम पंजाब के मैप पर देखें तो ये साउदर्न एंड साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हैं. और ये वो एरिया है जहाँ पर डेजर्टिफिकेशन सबसे ज़्यादा है. डेजर्टिफिकेशन और एरिड एरियाज हैं ये. तो राजस्थान और उस एरिया के साथ, डेजर्टिफाइड एरिया के साथ लगते होने की वजह से काफ़ी डेजर्टिफाइड, डेजर्टिफिकेशन यहाँ पे बहुत है. और ये एरिड एरियाज हैं जहाँ पर रेनफॉल भी बहुत अच्छी नहीं होती है, लीस्ट रेनफॉल रिसीविंग एरियाज ऑफ पंजाब. तो यहाँ पर इस टेक्निक को अडॉप्ट किया जाना मीन्स यहाँ पर जो वाटर रिसोर्सेज हम पे लोड बहुत कम हुआ है. लास्ट ईयर अबाउट 5 लाख हेक्टेयर वॉज अंडर दिस टेक्नोलॉजी, लेकिन इस बार ये 6 लाख हेक्टेयर हो गया है. DSR यानी कि डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, जिसमें कि सीधा सैपलिंग को जमीन में जो है प्लांट कर दिया जाता है, इट हैज़ ब्रॉट डाउन वाटर कंजम्पशन बाई 10-15%. इसमें क्या होता है कि सैपलिंग को पहले एक पर्टिकुलर साइज तक उगा लिया जाता है, उसके बाद उसे प्लांट किया जाता है. जबकि पुरानी टेक्निक के अकॉर्डिंग सीधा ही जो सैपलिंग है उसे ज़मीन में प्लांट कर दिया जाता है, फिर उसमें बहुत सारा पानी उसको दे के रखना पड़ता है. और क्योंकि वो ओपन फील्ड्स होती हैं उसकी वजह से वो पानी बहुत ज़्यादा इवेपोरेट होता है, बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, जिससे पानी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है. जबकि DSR टेक्निक या डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस में पहले सैपलिंग को कंट्रोल्ड कंडीशन में किसी लैब में या इंडोर जो है वो एक पर्टिकुलर साइज तक उगाया जाता है, और फिर उस सैपलिंग को डायरेक्टली ले जाकर फील्ड्स में प्लांट किया जाता है, जिससे कि पानी की कंजम्पशन वो बहुत कम करता है. तो इसके लिए स्पेशल ड्राइव भी लॉन्च की गई थी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के साथ मिलकर, एंड फाइनली द रिजल्ट्स आर शोइंग अप, द एफर्ट्स आर शोइंग रिजल्ट्स अक्रॉस द स्टेट. तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इज one of the prime drivers for this special drive, and Bathinda, Muktsar and Fazilka, ye sab districts ke naam aapko yaad rakhne hain. Next, governance related ek news hai. Chief Minister of Punjab has restored the powers of local government department. To jo Punjab ka local government department hai usse kuch powers kuch saal pehle le li gayi thi jinhe ab restore kar diya gaya hai. Basically Punjab ne ek PBI या फिर पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव बनाया था, जिसका शॉर्ट में नाम था इन्वेस्ट पंजाब. कुछ साल पहले बनाया गया था स्टेट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए. तो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की कुछ पावर्स थी जो कि इन्वेस्ट पंजाब को दे दी गई थी, जैसे कि लैंड यूज पैटर्न में चेंज अप्रूव करना, लेआउट एंड बिल्डिंग प्लान ऑफ नॉन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करना, इसकी पावर जो है वो इन्वेस्ट पंजाब को दे दी गई थी. लेकिन अब जो इन्वेस्ट पंजाब से पावर ले ली गई है, सिंगल विंडो क्लियरेंस से पावर ले ली गई है, बिकॉज इससे कुछ इरेगुलरिटीज आ रही थी. एंड द इशू वाज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द लोकल गवर्नमेंट एंड द इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स, राइट. तो ऐसा क्लेम किया जा रहा था कि ब्यूरो अगर प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल देता है तो उससे बहुत सारा रेवेन्यू लॉस हो रहा है और टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे कोई भी चेक रखने वाला नहीं है. बेसिकली जब भी कोई नया स्ट्रक्चर क्रिएट होता है गवर्नेंस में तो उससे कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही है. और ऐसा ही एक सिमिलर डिसीजन डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी लिया जा चुका है. तो फाइनली वो पावर्स दोबारा से रिस्टोर कर दी गई है लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को. एंड करंटली द लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज बीइंग सीन बाय द कैबिनेट मिनिस्टर ब्रह्म महिंद्रा. तो ये पावर्स अब रिस्टोर कर दी गई हैं.
local bodies minister Brahm Mahindra was demanding this for a long time, and last year CM ने एक बहुत strong note लिया था कि किस तरह से ये powers जो है वो local government department से withdraw कर ली गई थी, but now they have been restored by the department. नई instructions के according bureau has been left with power to approve industrial projects up to 50 acres and institutional projects up to 25 acres. अब ब्यूरो के पास जो पावर है वो कर्टेल कर दी गई है, कम कर दी गई है, और वो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट 50 एकड़ तक के और इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स 25 एकड़ तक के ही अप्रूव कर सकता है, राइट? एरियाज आउटसाइड मास्टर प्लान एंड एरियाज विद इन लोकल प्लानिंग एरियाज. बेसिकली द पावर्स हैव बीन नाउ प्रॉपरली डिवाइडेड. अब ऐसा नहीं है कि सारी पावर्स एक ही एजेंसी को दे दी गई है, राइट? सो दिस इज इट दैट वी हैड टू डिस्कस. न्यूज रिलेटेड टू गवर्नेंस, न्यूज रिलेटेड टू agriculture and economy, and the news related to the culture, Punjabipedia app and naming the roads and schools after the Olympic winners. So ye sari important news jo hain ye is week humne cover ki hain. So that is it from my side. Thank you so much and have a nice day.